चुनाव में, पंजाब चुनाव में आया लगा है, दिल्ली की जनता एक एक रुपए का हिसाब लेगी। चुनाव घोटाले का जिम्मेदार, बुजुर्गों की पेंशन रोकने का जिम्मेदार, गंदा पानी पिलाने का जिम्मेदार, मल्ला क्लिनिक के घोटाले का जिम्मेदार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज 15 में, और मैं हूँ आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो मैं मौजूद हूँ अरुण जेटली स्टेडियम पर, जहाँ पर आज जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो चाहते हैं कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे दे, यानी कि वो सीएम पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने को मना कर दिया है और बोल दिया है कि वो जेल से ही अपना सीएम पद जो है संभालेंगे और सरकार चलाएंगे, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता जो है आक्रोशित हो गए हैं और सड़कों पर आ गए हैं। मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि देखिए किस तरीके से जो है बीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं वीरेंद्र सचदेवा जो कि प्रोटेस्ट में सबसे ऊपर शामिल नजर आ रहे हैं आपको, और लगातार मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे दे। ये बीजेपी कार्यकर्ता है जो कि पूरी तरीके से आक्रोशित है और ये बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर आना चाहते हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ, केजरीवाल को हटाओ। तो ये मांगे ये कर रहे हैं, तो आप इसी को लेकर हम बात करने की कोशिश करेंगे इन कार्यकर्ताओं से और जानेंगे किनका क्या कहना है। लेगी, ये चोर नहीं, ये ठगों की सरकार है, ये स्वराज से शराब की सरकार है। इसके लिए पाई पाई जनता दिल्ली की अब जागरूक हो गई है और इसको सातों के सातों लोकसभा चुनाव में दूर चटा के दिखाएंगे। माँ बहनों का विश्वास तोड़ने वाला केजरीवाल, तुझे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शराब घोटाले का जिम्मेदार, बुजुर्गों की पेंशन रोकने का जिम्मेदार, गंदा पानी पिलाने का जिम्मेदार, मल्ला क्लिनिक के घोटाले का जिम्मेदार, शिक्षक भर्ती का जिम्मेदार, चोर है भाई चोर, केजरीवाल चोर है, शराब का माफिया है, चोर करके खाया है वो, शराब नीति में हर करोड़ों का घोटाला करने वाला जेल से राजनीति नहीं कर सकता, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली को बर्बाद कर दिया उसने 10 सालों में, पिछले 50 साल पीछे कर दिया दिल्ली को, इतना बदतमीज है, लंदन बनाने चला था, गांव से भी बदतर बना दिया उसने दिल्ली को। तो देखिए प्रदर्शन इतना आक्रोशित हो गया है कि अब पुलिस को और पूरी मिलिट्री फोर्स को यहाँ पर से पानी छोड़ा जा रहा है कि ऊपर, ताकि प्रदर्शनकारी रुके। लेकिन आप देख सकते हैं वीरेंद्र सचदेवा नीचे गिरते हुए दिखाई दिया है बीजेपी का झंडा लेकर, पानी का बहाव इतना तेज है, प्रेशर इतना तेज है कि जो प्रदर्शनकारी आगे आ रहे थे बैरिकेडिंग को तोड़कर, वो वहीं पर नीचे गिरते जा रहे हैं पानी के से। देखिए आप कितना ज्यादा प्रेशर है पानी का, फिर भी वीरेंद्र सचदेवा अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं और पानी को टकराव देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और दोबारा से वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नजारा, ये प्रदर्शन है जो कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं सीएम पद को, सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए केजरीवाल का। पूरा ये देख सकते हैं कि जब ये प्रदर्शनकारी नहीं माने तो यहाँ पर अब मिलिट्री फोर्स को पानी छोड़ना पड़ा ताकि ये प्रदर्शनकारी हटे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी जो है हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और डटकर सामना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको डिटेन कर लिया गया है और बसों के माध्यम से उनको डिटेन करके उनके स्थान पर उनको छोड़ा जा रहा है, और जो प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा था उसको रोक दिया गया है, कि उस से पानी उनके ऊपर छोड़ा गया। बहुत ही आक्रामक प्रदर्शन ये बन गया था और बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार चाहते थे कि वो वहाँ पर पहुँचे और केजरीवाल के इस्तीफे की मांगे कर रहे हैं और केजरीवाल चोर है कि लगातार ये नारे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो भी शामिल थे और कई बीजेपी के बड़े अन्य नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। बीजेपी के वो कार्यकर्ता थे जिनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है और लगातार ये जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर है, इस्तीफा दो, ये लगातार नारा लग रहा है।
तो आपने देखा कितने आक्रोशित थे बीजेपी के कार्यकर्ता और कई सारे आरोप जो है केजरीवाल सरकार पर लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस आंदोलन और इस प्रोटेस्ट के बाद क्या रुख लेती है केजरीवाल सरकार। उनकी ओर से भी जो आज शाम में प्रदर्शन किया जाएगा वो पीएम आवास को घेरेंगे, तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनकी तरफ से क्या मांगे होती है। अभी इनकी मांगे आपने सुन लिया, सीधा सीधा ये सीएम पद से केजरीवाल का इस्तीफा चाहते हैं। अब आप बताइए इस कमेंट बॉक्स में कि क्या आप इस चीज से सहमत है या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। साथी बने रहे द न्यूज 15 के साथ, शिवानी मांगवानी कैमरामैन अरुण के साथ।